अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है फ्रेंड्स। आज मैं आपके साथ डिलीशियस किस्म के चाय और पकौड़ों की रेसिपी जो है वो शेयर करने जा रही हूँ। जनाब यहाँ पे हो रही है दूध पत्ती तैयार और आसमान का व्यू बहुत प्यारा है, तो आज हमने प्लान किया कि क्यों ना आज पकौड़े जो हैं वो तैयार किए जाएँ। तो जनाब मैं यहाँ पे पकौड़े बना रही हूँ। पकौड़ों की कंप्लीट वीडियो ऑलरेडी मैं अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। तो इसके अलावा जनाब आपसे रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप चैनल पे नए हैं, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा और साथ साथ ये बताइएगा कि आज की मज़ेदार किस्म की दूध पत्ती और पकौड़ों की जो रेसिपी है, जो छोटा सा व्लॉग मैंने आपके साथ शेयर किया है, आपको ये कैसा लगा है। तो जनाब आंच फुल तेज़ हुई, पकौड़े मैंने ऐड कर दिए। हमारे यहाँ चूँकि आलू वाले पकौड़े जो हैं वो इस तरीके से खाए जाते हैं, आलू को कटलेट्स की सूरत में मैंने काट लिया और बेसन में खुश धनिया, ज़ीरा, कुटी लाल मिर्च, हरी मिर्चें, पालक और हरा धनिया डाल के उसको अच्छे से मिक्स करके मैंने 2 घंटे के लिए रख दिया था। और फिर शाम में चाय के साथ पकौड़े जो थे वो मैंने तैयार किए। उम्मीद है मेरी ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आएगी। तो इनको गर्मा गर्म पकौड़ों को मैंने अपनी लाइव में शूट किया और साथ साथ अलग से वीडियो अपलोड की ताकि अपनी प्यारी सी वाइटी फैमिली के साथ जो लोग लाइव में शेयर नहीं हो सके उनको भी शेयर करके दिखा सकूँ कि किस तरह से शाम की चाय को आज हमने बनाया है। ज़बरदस्त मस्त किस्म की चाय बनी और उसके साथ साथ आलू के जो पकौड़े हैं बहुत सिंपल और सादा से तरीके से बनाए, लेकिन बहुत मज़े के, बिलीव मी। अच्छा, इनके खस्ता होने की वजह ये थी कि मैंने इनको 2 से 3 घंटे बेसन को भगो के रख दिया था। अगर आपको फौरन बेसन भगो के पकौड़े बनाने हों तो जनाब इसके लिए एक अंडा ज़रूर उसमें ऐड कर लीजिएगा। तो इस तरह से पकौड़े ज़्यादा मज़ेदार और डिलीशियस होंगे। ये ले जनाब चाय का कप तैयार है पकौड़ों के साथ। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, वॉचिंग माई चैनल।